आपको पता है क्या स्कोर आ रहा है? हाँ पता तो है, लेकिन बताऊंगा नहीं, सरप्राइज है। कुछ तो आइडिया दे हमें। चलिए ऐसा करते हैं, हम नाम लेते जाते हैं, खाना में जवाब दीजिए। जल्दी साइट ओपन करिए। आर यू रेडी? यस। सो 1, 2 एंड 3। अच्छा तो बुआ की सालगिरह है। पापी क्यों ना हम अपने हाथों से बुआ के लिए एक चॉकलेट केक बनाएं? गुड आइडिया, लेकिन एक मिनट, बुआ तो हर टाइम किचन में होती हैं। हम केक कैसे बनाएंगे? अम्मा बेटा जी, सांस क्यों फूला हुआ है आपका? वो अम्मी बुआ की बर्थडे, हम बुआ की बर्थडे की तैयारी कर रहे हैं। लो जी, बुआ की बर्थडे। अब इसकी कमी रह गई थी, अब तुम देखना घर का क्या हाल होगा। और क्या, चलिए छोड़े बच्चे। मैं आपको बता रही थी, अक्सा ने अच्छा अंजुम, अब मुझे जाने दे, किचन में बहुत सा काम अधूरा पड़ा है। हाजरा, जब से तुम्हें मैं इस घर में लाया हूँ ना, मेरी तो अपनी जिंदगी अधूरी हो गई है। अंजुम जी, इतना गुस्सा? नहीं नहीं नहीं, मैं तुम पे गुस्सा कर सकता हूँ, मैं तो ये कह रहा था कि 2 घड़ियां हमें भी दे दिया करो, हमारे पास भी बैठ जाया करो, और जिंदगी के लिए आराम भी बड़ा जरूरी होता है। आज तुमसे आज मैंने बड़ी बातें कर ली। तो मैं ये कह रहा था, तुम्हें मेरा गिफ्ट कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, पर अंजुम एक बात तो बताए। हाँ? इससे पहले तो आपने कभी गिफ्ट नहीं दिया, तो अब की बार क्यों? अब मैं एडवांस हो गया हूँ। एडवांस नहीं, एडवांस होता है। हाँ, और वैसे भी अब हम गांव में थोड़ी रहते हैं, मैंने ना बच्चों से गिफ्ट देना सीख लिया। बहुत अच्छा सीख लिया। और बहुत जल्दी आपको सरप्राइज भी मिलने वाला है। वो क्या? वो अभी नहीं बताऊंगा। बता देना। हाँ इतने जल्दी भी क्या है, बता देंगे, लग जाएगा पता आपको। ये क्या बात है? नहीं बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, आप सुनाएं। बस ठीक ठाक। इतनी खामोशी क्यों है, कहाँ है बच्चा पार्टी? आपको कुछ पता भी है कि क्या हो रहा है? फिर से बर्थडे की तैयारियां हो रही है। बर्थडे की तैयारी? किसकी बर्थडे की तैयारी? अभी तो कुछ दिन पहले दानी की बर्थडे हुई है। खैर से बुआ के लिए केक बन रहा है, मैंने तो कहा भी था बाजार से मंगवा ले, लेकिन मेरी सुनता कौन है, और किचन का बुरा हाल किया हुआ। अरे मिसबा, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, जिस तरह बच्चे हमारा एहतराम करते हैं, वही एहतराम बुआ के लिए। आप ही हम एक काम तो भूल ही गए। यार तुम तो ऐसा बोलो, हमेशा चीखता रहता है। आप ही, हमने तो बुआ के लिए कोई गिफ्ट ही नहीं लिया। तो आप ही लेना क्या है? ऐसा करते हैं कि उनके लिए जानकर ड्रेस ऑर्डर करते हैं। एक मिनट एक मिनट, ड्रेस कैसे पहनेंगी? हम उनके लिए जानकी वाटर बोतल और बुक लाते। अच्छा पार्टी क्या कर रही है, और बुआ के गिफ्ट का इंतजाम हो रहा है, राइट? जी अबू। अबू हम ये गिफ्ट जरूर देते बुआ को, अगर बुआ 5 साल की होती। थैंक्स तुम दोनों के मशवरे के लिए, मैं खुद ही सोच लूंगी। मगर पैसे कहाँ से आएंगे? देखो देखो, मुझसे कुछ एक्सपेक्ट मत करना। बाय द वे, आपके मनी बॉक्सेस कब काम आएंगे? जी जी, मैं भी सोच रहा था मैं बुआ के लिए अपनी पॉकेट मनी से गिफ्ट लूं। गुड आइडिया। मैं आज ही जाकर अपने मनी बॉक्स का लॉक खोलती हूं। क्यों ना हम सब पैसे मिला के बुआ के लिए गिफ्ट खरीदें? वेरी गुड आइडिया, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा बच्चा पार्टी, मैं थोड़ा सा फ्रेश होके आता हूँ, तो वापसी पे अगर आपको मेरी हेल्प की जरूरत है तो मैं आपके साथ तैयार हूँ। जी जी जी। We'll be right back.
है प्यारी प्यारी तितलियां, प्यार की शोखियां अपनों का साथ है, शरारत है हमाकत और ख्वाब अपने, आओ मिलकर खुशियां समेट ले हम और ले बुजुर्गों की दुआएं हम सभी। रोशन चमकते चंदा तारे, आओ मिलकर बैठे सारे, रोशन चमकते चंदा तारे, आओ मिलकर बैठे सारे। यार मेरी पिक्चर्स कितनी बुरी आई है, कमाल का मुझे मीट में करवा दे दो, मेरी ये सेट जरा अच्छी नहीं आती। ताबी पिक्चर बुरी ही आ रही थी। वेरी फनी यार शेरी, तुम्हारी यार कितनी लंबी है। ओह थैंक यू, कभी गुरूर नहीं किया ना। और आपके लिए रहेंगे मुझे, मैं तो तुम्हारे से 2 साल छोटा हूँ ना, इसलिए नेक्स्ट ईयर देखना मेरी यार कितनी लंबी होगी। चीटिंग मत करो, तुम सबसे छोटे हो और मैं सबसे लंबा हूँ। नहीं मैं आई बराबर है देखो। जी नहीं मैं ज्यादा लंबा हूँ, बोली तुम यहाँ कर देखो कौन ज्यादा लंबा है। लल्ली भाई देखे मैं भी लंबा हूँ ना। जी आपकी भी हाइट छोटी है मगर आपकी एज के मुताबिक बिल्कुल ठीक है। जय बली तुम स्पोर्ट्स में ही हो ना, मैं भी स्कूल बैडमिंटन खेलता हूँ और रेसिस में हिस्सा लेता हूँ, शायद इससे मेरी हाइट बढ़ रही है। रहमान तो कुछ खेलता ही नहीं है। मेरी मम्मी मुझे कुछ खेलने नहीं देती, वो कहती हैं बस आगे पढ़ते रहो, खेलने की जरूरत ही नहीं। मेरी मम्मी कहती हैं कि आपको रनिंग और एक्सरसाइज करनी चाहिए क्योंकि उससे आपकी फिजिकल ग्रोथ होती है। हाँ मैंने सुना है लटकने से हाइट लंबी होती है। जी बिल्कुल, लटकने और दौड़ने से सबसे ज्यादा हाइट बढ़ती है। मैंने भी लटकना है, मैंने भी हाइट लंबी करनी है। मेरे भाई ने कहा लटकना है? एक बार लटकने से हाइट थोड़ी लंबी होती है, वो तो रोज लटकने से होती है। नहीं मुझे भी लटकना है। रानी जरा जाओ साहब भाई, तुम जाकर खेलो या जान काटो देखो। ऐसा करते हैं हम साथ ही लटकते हैं। क्यों हम क्या बंदे लगे हैं? ओ यार अभी पीछे पड़ गए, चलो हम इसको लेकर चलें। भाई मैंने भी लटकना है। एक मिनट रुक जाओ। यार भाई प्लीज ना। उफ तौबा, रानी तुम कितने जिद्दी हो। बंदर कहीं का। शेर भाई मेरा हाथ थक गया, मुझे नीचे उतारे। बेटा बड़ा शौक था ना लटकने का, अब लटके रहो, ये सजा है तुम्हारी। हाँ। यार भाई हम जा रहे हैं। इसने हमें देख लिया ना तो इसने फौरन हमें शिकायत लगा देनी, जल्दी भागो यहाँ से। चुप हो यार भाई। चुप करो आप। शेरी रायान खैर उतरा। मेरा प्यारा बेटा
जानी बेटा, आपकी हेल्थ तो माशाल्लाह वैसे ही बहुत अच्छी है, तो चलो आपको ऐसा करने की क्या जरूरत है, आपने दर्द भी नहीं करना। छोड़ो ये सब, मैं आप लोगों को इलामा इकबाल के पोएम सुनाता हूँ। वली यार छोड़ो, इलामा इकबाल तो बहुत मुश्किल शायरी करते थे, हमें समझ नहीं आएगी। मुझे तो उनकी समझ आती है और मुझे उनकी बहुत अच्छी भी लगती है। ओह रियली, तो तुम हमें क्या सुनाओगे? चलो जी अब रेहान की बारी। चलो जी, काउंट डाउन 5 4 3 2 रुको, मुझे आता है, मुझे याद आ गया, मैं भी आता हूँ। चलो जी 1 2 3 अब तो आदत ही है मुझको बस सुनो बस प्लीज यार, इससे ज्यादा हमारे सफर का इम्तिहान मत लो। चलिए शेरी भाई अब आपकी बारी। मेरी बारी? चन्नों की आग में एक नशा है, गाल पे उसके तिल का निशा है। करो बस करो यार बस करो, अभी सीट पे जाओ। यार प्लीज आज के बाद ऐसी गुस्ताखी मत करना अपने भाई के साथ। सदोफ ये देखो कितने मजे के कलर्स हैं यार। हाँ वाकई बहुत अच्छे हैं। ये पिंक वाला चेक करो। को मैं अभी लगा के देखूंगी। भाभी ये चाय भी ले। थैंक यू। यार छोड़ो ये सब, मैं आप लोगों को इलामा इकबाल के एक पोएम सुनाता हूँ। वली यार छोड़ो, इलामा इकबाल तो बहुत मुश्किल शायरी करते थे, हमें समझ नहीं आएगी। मुझे तो उनकी समझ आती है और मुझे उनकी बहुत अच्छी भी लगती है। ओह रियली, तो तुम हमें क्या सुनाओगे? मैं लबे आती सुनूंगी। डोंट टेल मी, तुम्हें आती है? हमें भूल गई है ना। चलो तुम सुनाओ, हम तुम्हारे साथ साथ पढ़ते हैं। लबे आती है दुआ बन ये आवाज जब भी मेरे कानों में आती है ना, मुझे अपने स्कूल का दौर याद आ जाता है। हाँ भाभी बिल्कुल, आपके स्कूल में भी पढ़ाई जाती थी ना? हमारे स्कूल में भी पढ़ाई जाती। अब तो बहुत कम स्कूलों में पढ़ाई जाती है, जबकि इतना अच्छा मैसेज है, इसे तो तमाम स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। तुम अपने वाले भी तो खोलो ना। भाभी मैं बाद में देख लूंगी। अच्छा। मजा आ गया, बहुत खूबसूरत नज़म पढ़ी है आप लोगों ने। मुझे तो मेरे स्कूल का वक्त याद आ गया। आप स्कूल भी जाती थी बुआ? जी बेटा, मैं स्कूल जाती थी, पूरी 8 जमातें पास हूँ। उर्दू लिखनी और पढ़नी आती है मुझे, थोड़ी थोड़ी सी अंग्रेजी भी आती है। तो क्या हमारी बुआ को इजी ना लेना। बुआ मुझे इस पोएम की कुछ कुछ समझ आती है, मुझे इसका कॉन्सेप्ट यानी मतलब समझ नहीं आता, आपको आता है? जी बेटा मैं बताती हूँ आपको। इसमें बहुत खूबसूरत पैगाम है। इसमें बच्चा दिल से दुआ कर रहा है, वो अल्लाह ताला को अपनी तमन्ना यानी ख्वाहिश बता रहा है। जैसे हम दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमें गिफ्ट में एक्सबॉक्स ही मिले। नहीं बेटा, इसमें उस बच्चे की तमन्ना है कि उसकी जिंदगी शमा बन जाए। जानते हो शमा किसे कहते हैं? जी बुआ, शमा नाम होता है ना, हमारी स्कूल की उर्दू की टीचर का भी नाम शमा है। जी बेटा, शमा नाम भी होता है, मगर शमा का मकसद है इस दुनिया में रोशनी फैलाना। ओ अच्छा, इसीलिए वो बच्चा चाहता है कि वो दूसरों के काम आए। इसी को शायर ने रोशनी से तशबीह दी है, और ये रोशनी मिलती है इल्म से। आप लोग स्कूल जाते हैं
पढ़ते हैं, आप लोगों को समझ में आता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा और कैसे दूसरों के काम आना है। इसलिए उस बच्चे ने ये दुआ की कि हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, क्योंकि इस दुनिया में आने का कोई ना कोई मकसद है और सबसे बेहतरीन मकसद है दूसरों के काम आना। बुआ, यू आर राइट, लेकिन हम कैसे दूसरों के काम आ सकते हैं? बहुत से तरीके हैं बेटा, जैसे किसी मुस्तहिक की फीस अदा करके उसको पढ़ाना, भूखे को खाना खिलाना या फिर पहनने के लिए कपड़े देना। मगर हम इतने बच्चे लाएंगे कहाँ से, और आसपास हमारी सोसाइटी में तो कोई भी नहीं। आइडिया, क्यों ना हम दीवारी मेहरबानी के जरिए काम करें। बहुत अच्छा आइडिया है, चलो चलो। एक मिनट बेटा, एक मिनट, तुम लोग ये काम जरूर करो, मगर पहले अपनी अपनी अम्मी से मशवरा करो और इजाजत लो, ठीक है? तो चलो। हम सबकी जिंदगी का कोई ना कोई मकसद होना चाहिए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपका है, हर वक्त खेलना। अम्मी सुने तो सही, हम दूसरों के काम आना चाहते हैं। अरे भाई, पैकिंग किस लिए कर रहे हो, कहीं जा रहे हैं हम लोग? नहीं अबू, वो हम दीवारी मेहरबानी पर डिजर्विंग बच्चों के लिए सामान इकट्ठा कर रहे हैं। देखो, इसका बेहतरीन तरीका है कि तुम पुग लो, और जो पुग जाएगा उसकी पहले बारी। पुग, ये क्या है?